हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, बहुत सारे स्पॉइलर आजकल चल रहे हैं पुष्पा 2 को लेकर। खबरें हैं कि पुष्पा 2 में श्रीवल्ली की मौत हो जाएगी और भी बहुत सी चीजें हमें सामने देखने को मिल रही है। जैसे कि इस बार पुष्पा का जो कैरेक्टर है वो जंगलों से निकलकर बाहर अब पोर्ट्स तक लेकर जाएगा उसे। फिल्म में उसके और भी बहुत सारे दुश्मन बढ़ेंगे। बिल्कुल ही एक फ्रेश कहानी हमें पुष्पा 2 में देखने को मिलेगी, बिल्कुल ही अलग लेवल की। दोस्तों, देखा जाए तो साउथ की फिल्में इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही हैं, चाहे वो बात केजीएफ 2 की हो या फिर ट्रिपल आर की। सबने जमकर कमाई की, लेकिन इस जोरदार की कमाई शुरुआत अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा दी राइज ने की थी। हम सभी जानते हैं ये बात। ये लॉकडाउन के बाद पहली ऐसी फिल्म थी जिसने सिनेमा घरों में लोगों को वापस लेकर आई। अब जल्दी इस फिल्म का सेकेंड पार्ट आने वाला है और इसके बीच अब फिल्म की कहानी लीक हो गई, जिसे जानने के बाद फैंस थोड़ा निराश हो गए, क्योंकि फिल्म के दूसरे पार्ट में कुछ ऐसा होने वाला है जो फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जी हाँ, पुष्पा दी राइज जब फिल्म आई थी तब इसको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही थी। लोगों ने अल्लू अर्जुन की एक्टिंग की, बहुत तारीफ की, उसे बहुत पसंद किया। साथ ही श्रीवल्ली के रोल में नजर आ रही रश्मिका मंदाना के लुक की हर किसी ने तारीफ की थी। अब फिल्म के सेकेंड पार्ट को लेकर रिपोर्ट बहुत खतरनाक आई है, आप भी नहीं सुन सकते, मतलब ऐसी है कुछ। बताया जा रहा है कि फिल्म पुष्पा दी रोल में श्रीवल्ली की मौत हो जाएगी। इसके बाद से इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हो रही है कि आखिर कौन मारेगा उसे, मतलब श्रीवल्ली को कौन मारेगा। और देखा जाए तो पुष्पा राज का जो कैरेक्टर है वो बहुत पॉजेसिव है श्रीवल्ली को लेकर, मतलब कि उसने पहली बार जो जान बचाई थी, किस तरह से पिटाई की थी, क्या एक्शन हमें देखने को मिला था पुष्पा राज का। अब ऐसे में श्रीवल्ली की मौत हो जाएगी, मतलब अलग ही लेवल पे ले जाएगी फिल्म की कहानी। और कौन मारेगा, सबसे बड़ी बात। तो खबरें हैं कि पुष्पा भाऊ के नए विलन बने फहाद फाजिल श्रीवल्ली को मार देंगे, लेकिन इस बात की अभी तक तो कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई, ना ही पुष्टि हुई है। फिल्म मेकर्स इन मुद्दे पर अभी भी चुप्पी बनाए हुए हैं। अब इस बात से पर्दा तभी उठेगा जब फिल्म आप लोगों के सामने आएगी या जब फिल्म का ट्रेलर आएगा। दोस्तों, पुष्पा दी राइज के बाद फैंस पुष्पा दी रूल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म को आने में अभी टाइम लग सकता है। फिल्म मेकर्स इस पुष्पा दी रूल को शानदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार इसके लिए जमकर तैयारी कर रहे हैं। वेल, साउथ की फिल्मों की तैयारी है तो हम सभी जानते हैं, जब भी आते हैं ब्लास्ट करते हैं बॉक्स ऑफिस पर और लोगों के दिमाग पर। जब से लोगों को पता चला है कि श्रीवल्ली की मौत हो जाएगी सेकंड पार्ट में, तो लोगों के दिमाग पर एक अलग ही छाप चल रही है, अलग ही इमेजिनेशन चल रही है। क्या आपके दिमाग में भी अलग इमेजिनेशन चल रही है? आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज।